आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, हमें क्वेश्चन दे रखा है यदि cos x थीटा की वैल्यू हमने दे रखी है 13/12, तो cos थीटा एवं sin थीटा का मान ज्ञात करें। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम एक, शायद आपको ये नहीं सो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहां पे आप नाम भी दे सकते हो उसे, ए बी सी नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13/12 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू सबसे पहले आपको क्या होती है, जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है एक समकोण त्रिभुज के को कंसीडर करते हुए देखते हैं, तो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है हमारी, यदि हम इसे जो है लंब बोलते हैं या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे परपेंडिकुलर, ये आधार होता है और ये होता है कर्ण। ओके, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस के जस्ट, जो साइन के जस्ट अपोजिट होती है। साइन की क्या होती है, लंब बटे कर्ण, या फिर आप बोल सकते हो इसे कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण कितना दे रखा है आपको, 13 दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या बोल सकते हो, आपको भी पता होगा कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हो आसानी से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर्ण की वैल्यू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। लंब 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यहां हमें आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर, तो 144 को इस तरफ ले जा लेते हैं, तो 9 में से 4 गए, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएंगे, 0 बचेगा, तो 25। आधार का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25, तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 25 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। अब हमें क्या बताना है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो कॉस थीटा आपको पहले से ही पता होगा, मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना दे रखा है हमें, 5, और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है हमें 13, तो 5/13 होगी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो अब यहां से आप क्या बता सकते हो, इसकी वैल्यू होगी 12/13। ओके, आई होप योर डाउट इज क्लियर, योर आंसर विल बी साइन थीटा इक्वल टू 12/13 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 5/13। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।